लाइव क्लास में बच्चों आज आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं फोटोशॉप के कुछ एडिट मेनू के जो टॉपिक हमारे छूट गए थे, आज हम लोग उनको क्लियर करेंगे। तो आप लोग देख लीजिए हम लोग उस दिन कहाँ तक फिनिश कर किए थे, उसके आगे बताइए, उसी के आगे हम लोग चलते हैं। क्लियर कर लीजिए सही पैटर्न। तो हम लोगों ने पैटर्न तक फाइनल कर लिया है, आज हम लोग क्लियर करेंगे डिफाइंड कस्टम शेप्स क्या होता है। चलिए तो डिफाइंड कस्टम शेप्स के बारे में जान लेते हैं। ये फ्री पेन टूल होता है, इससे क्या होता है, हम लोग अपनी आवश्यकता अनुसार कोई भी चीज बनाते हैं। तो ये पेन कुछ भी बनाइए आप, मैं इसे नहीं कहता, आप बॉर्डर बनाइए, आपने बॉर्डर तैयार किया अपने से बढ़िया सा, ऐसे एक तैयार किया, आप चाहते हैं कि ये डेटा उसी शेप्स के अंदर सेट हो जाए कि बार बार हमको इसको खींचना ना पड़े, तो आप डिफाइन के अंदर जाएंगे तो ये कमांड चलेगी तभी, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। कोई भी शेप अपने से बनाइए और उसको वहां पे सेट कर दीजिए, आप कोई भी एक नाम दे दीजिए और नाम देने के बाद इसको सेव कर दीजिए, बस इसे हटा दीजिए। जब भी आप अपने कस्टम शेप्स के अंदर जाएंगे तो आपको ये सबसे लास्ट पोजीशन में मिलेगा, सबसे लास्ट पोजीशन में ये रहेगा, ये देखिए जी यहाँ पड़ा मिलेगा, और आपका नाम भी यहाँ शो करेगा जो नाम आपने दिया होगा मैसेज में, नीचे देखिए मैसेज शो कर रहा है, ठीक है। तो आप कभी भी आप ये रेक्टेंगल मोड पे आप खींच सकते हैं, ये केवल रेक्टेंगल ही आएगा, जो शेप मोड रहेगा उसी तरीके से काम करेगा। इसके बाद ये लिखा प्योर, इसका काम क्या होता है, जैसे हम लोग कोई काम कर रहे हैं तो उस कंडीशन को रोकता है, जैसे हमारा कट किया गया मैटर कहाँ जाता है, कट और कॉपी किए गए मैटर कहाँ सेव होता है, सर ये होता है उसका नाम बताइए कमांड का, वो क्लिपबोर्ड स्थान होता है, क्लिपबोर्ड में जाके सेव हो जाता है। तो देखिए कैसे कवर करेंगे हम लोग, हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे खींचा, मैंने कोई काम किया इस सिस्टम में, कोई भी काम किया और मैंने अंडू कर दिया, पुनः ये वापस आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इस फोटो को रख दूं और उसके बाद प्योर के अंदर जाके अगर मैं इस कमांड को रोक दूं, वो क्लिपबोर्ड से मैंने हटा दिया, मतलब जो काम हो रहा, जो एक्शन हो रहा था उस एक्शन को मैंने रोक दिया, अब अगर आप अंडू कमांड पे क्लिक करोगे तो काम नहीं करेगा, उस एक्शन को रोकने के लिए हम ये सेटिंग बनाई गई है। अब कॉपी किया मतलब क्या होता है, तो इसको भी देख लीजिए, कॉपी किया मैटर क्लिपबोर्ड में सेव होता है, तो उस जहां पे वो सेव होता है उस ऑप्शन को हम वहीं से हटा देंगे। हमने किया कॉपी और हम पेस्ट कर रहे हैं, देखिए बार बार पेस्ट करिए आप डेटा आता रहेगा, जब तक आपका डेटा क्लिपबोर्ड में सेव है तब तक ही आएगा। अगर हम यहाँ पे जाके प्योर में जाके क्लिपबोर्ड को जाके अगर मैं इसमें कंटिन्यू कर दूं, तो जैसे कंटिन्यू कर दूंगा तो ये जो डेटा स्टोर हुआ है वहां पे वो हट जाएगा। समझ में आ गया सभी को? इसके बाद अगली कमांड जिसका नाम है हिस्ट्री। अभी तक आपने जिस फोटो पर जो भी प्रयोग किया, अगर आप झूठ बोलते हो तो आपको पता चल जाएगा, अगर आप कोई बच्चा झूठ बोलता है कि इस फोटो पर हमने ये काम नहीं किया, तो उसकी हिस्ट्री चेक करने के लिए सीधा हिस्ट्री ऑप्शन में जाइए और उस फोटो को सेलेक्ट करके रखिएगा, वही फोटो के बारे में जिस फोटो के बारे में आप जानना चाहते हो, तो उस फोटो को सेलेक्ट करके रखिए। देखिए पहले हमने क्या किया, इस फोटो को खोला है, ओपन किया, दूसरी बार हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल मार्किंग टूल यूज किया, फिर मूव किया, फिर रिवर्ट किया एक बार, फिर हमने इलेक्ट्रिकल टूल यूज किया, फिर डिसलेक्ट किया, फिर पेस्ट किया, फिर मुंह किया, फिर पेस्ट किया। इस समय मुंह पे हमारा कर्सर इसलिए बता रहा है, आप कहीं भी कर्सर रखिए, जो इसकी इन्फॉर्मेशन, अगर इस फोटो में आप कुछ भी करते हैं तो उसकी जानकारी आपको ये मिलती रहेगी। इस सेटिंग को हटाने के लिए अगर कोई ना जान सके तो उसके लिए आपको यहाँ बनाया गया है प्योर के अंदर हिस्ट्री, ठीक है ना, इस हिस्ट्री को मिटाने के लिए ये कमांड चलाएंगे। ऑल का मतलब सभी कुछ होता है, आप एक बार में सब कुछ खत्म कर दीजिए, कोई चीज नहीं काम करेगा, हिस्ट्री भी आपकी हट जाएगी, आपके ये सारे फंक्शन काम करना बंद कर देंगे। क्लियर हो गया जी सर? और ये स्वयं भी नहीं काम करेगा, ठीक है, जब इस पर कोई प्रयोग करोगे तो फिर चलने लगेगा। ये कलर सेटिंग होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आएंगे आरजीबी, आरजीबी का मतलब होता है रेड ग्रीन ब्लू, सीएमवाई का मतलब आप लोग जानते हैं कलर मैजेंटा एलो ब्लैक, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं तो देखिए कलर पूरे में दिखेगा और पूरे में इफेक्ट हमको दिखाई पड़ रहा होगा, ये देखिए कैसे दिख रहा है, आप लोग समझ पा रहे हो? सभी फोटो पर दिख रहा है। अगर आप ये मोड यूज करते हैं, आप कभी भी फोटो को ओपन करेंगे तो फोटो उसी मोड पे खुलेगी, इस मोड को आप सेट करके रखोगे, ठीक है, इस तरीके से काम करेगा। F12 कर दीजिए और ये कलर F12 से नहीं हटेगा, ये भी याद रखिए, एक तरीके का मतलब पूरे फोटोशॉप की एक सेटिंग है। अब ये परसेक्ट मैनेजर है, इसका काम क्या होता है, यहां चले जाइए पैटर्न में जाइए, यहां पे आने के बाद हम लोग यहाँ पे जो भी सेटिंग को बदलना चाहे, जैसे नाम हम चेंज करना, जैसे मान लो ये पैटर्न का नाम आप बदलना है,
बदलना है तो यहाँ पे जाइए रीनेम कर, यहाँ पे नाम चेंज कर दीजिए, और जैसे आप एंटर कर देंगे और जब भी आप इस फोटो के ऊपर यहाँ से डन कर दीजिए, आप अब इस पैटर्न के अंदर जाइएगा, विशेष ध्यान दीजिएगा, पैटर्न के अंदर जब जाएंगे तो आपका ये नाम बदल जाएगा। ये देखिए एसपीपी नाम दे दिया, मतलब ये सेटिंग करना है। हाँ, अब मेन सेटिंग में हम लोग चलते हैं। प्रेफरेंसेस के बारे में सही से ध्यान दीजिए कि इसमें काफी अच्छे अच्छे ऑप्शन है जो कि आपके ब्रश वगैरह की सेटिंग को बदलाव करेगा। ये कैसे काम करता है वो भी जान लीजिए। अभी आप अपनी फोटो, अगर आपके पास फोटो की संख्या कम है, देखिए एक यहाँ दिखा रहा है, मैं चाहता हूँ कि मेरे सिस्टम में 30 फोटो दिखाए, तो फाइल हेडिंग वाले ऑप्शन में आना है, फाइल हैंडलिंग वाले ऑप्शन में आना है, और यहाँ संख्या बढ़ानी है, मैक्सिमम 30 होता है, ठीक है, मिनिमम 1 होता है, याद रखिएगा। रिसेंटली मैं 30 फोटो खोल सकता हूँ बिना किसी फोल्डर में जाए, दिखाऊं, मैंने इस फोटो को नहीं देखा कहाँ पड़ी है, यहाँ से मैं लेकिन फोटो निकाल सकता हूँ, ये देखिए, चाहे जहाँ होगी ऑटोमेटिक आती रहेगी, उस फोल्डर से रिसेंटली उठा लेता है डेटा को, इसका काम ही यही होता है। क्लियर हुआ? एक बार में एक फोटो उठा। ये डिस्प्ले एंड कर्सर है, डिस्प्ले एंड कर्सर पे जाएंगे, यहाँ पे चले गए, हम लोग इसका कर्सर वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे इसका कर्सर बदल देंगे, ये देखिए आपका कर्सर कुछ इस टाइप में दिख रहा है, देखिए झाड़ू के आकार में दिख रहा है, देखो। और इसके बाद अगर हम लोग यहाँ आ गए और इसका कर्सर अलग टाइप में चाहिए, तो इसका कर्सर हम लोग अलग टाइप कर सकते हैं, ये देखिए ऐसे सर्किल बना सकते हैं, ये देखिए, समझ पा रहे हैं आप लोग? अल्ट दबाने पर देखिए कुछ ऐसा, अभी देखिएगा अल्ट दबाने पर कुछ ऐसा दिख रहा है, प्रोसेसिंग वीक है लग रहा है, नहीं तो अल्ट दबाने पर आपको दिखेगा जरूर। एक कोशिश करते हैं हम दिखाने की आपको, जी यहाँ पे आइए देखिएगा, वो किसी कारणों से नहीं, अच्छा सॉरी एक कारण है इसका, मैं बता रहा हूँ, मूव टूल पे आप कर्सर रखिएगा, ब्रश पे रखिएगा कर्सर, और यहाँ पे आके नॉर्मल कर दीजिएगा, तब आप देखेंगे अल्ट दबाइएगा, दिख रहा है देखिए आपको ये कर्सर, yes, इस आकार में दिखेगा, ये कलर को पहचानने का काम करता है, ये देखिए कलर, आप देखिए अपने कलर बॉक्स की ओर देखिए, वहां पे कलर बदलता हुआ दिखाई पड़ता है, इसका काम यही होता है। और ट्रांसपेरेंसी का अमाउंट होता है, इसका मतलब क्या है, देखिए अभी ये फोटो ट्रांसपेरेंट मोड पे है, अगर इसका बैकग्राउंड हम लोग बदलना चाहें तो सेटिंग में जाओ, यहाँ पे चले आओ, इसका कलर आप लोग यहाँ से बदल सकते हैं, लार्ज करना, कलर चेंज करना, ये छोटे छोटे काम जो भी हैं आप लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। ओके और ओके कर दीजिए, तो इस तरीके से बदल दीजिए। इसके बाद बच्चों करना क्या है, यहीं चले आइए, ये यूनिट्स एंड रूलर है, ये मापने का काम करता है, आप कंट्रोल आर से रूलर ला सकते हैं, और यूनिट्स रूलर है ना ऑप्शन आपका, तो कि अभी हमको यहाँ पे कुछ इस मोड पे दिख रहा है, जब अगर हम इसकी सेटिंग करेंगे तो विशेष ध्यान दीजिएगा, यूनिट्स रूलर इंचेस और सेंटीमीटर, इंचेस और सेंटीमीटर, ये देखिए आपको बदलता हुआ दिखाई पड़ेगा, ये देखिए बदल रहा है ऐसे, तो जैसे आपको चाहिए जिस हिसाब से मापना है उस हिसाब से आप सेटिंग कर लीजिए, उसी के लिए बना है। इसके बाद यहाँ चले आइए, ग्रिड एंड गाइड एंड स्लाइस, तीन ऑप्शन यहाँ काम कर रहे हैं एक साथ, तीनों ऑप्शन के लिए आपको पहले डबल इंट कॉमा कंट्रोल के साथ डबल इंट कॉमा, ग्रिड लाइन आ जाएगी, गाइड लाइन चाहिए तो आप लोग इसको पकड़कर ऊपर रूलर को पकड़िएगा, ध्यान दीजिएगा मूव टूल के साथ ऐसे, ये आपकी गाइड लाइन है, और आपकी स्क्रीन पर स्लाइस टूल भी होता है, मैंने बताया था आपको ये मापने का काम करता है, तो आपने ये ले लिया, ये तीनों चीजें आपके पास अवेलेबल है। अब इनका कलर चेंज करने के लिए सिस्टम बनाया इन्होंने, ये देखिए यहाँ पे इसका कलर चेंज किया, मतलब पहचान कैसे होगी कि कौन सी ग्रिड है कौन सी गाइड है, तो आप कलर से पहचान लेंगे, ये ग्रिड लाइन है और ये गाइड लाइन का देखिए कलर में ग्रीन करने वाला हूँ, जो लाइन में रूलर से खींच के लाया था इसको, और जो स्लाइस टूल है जो यहाँ से होता है, ये देखिए रेड कर सकते हैं, ये रेड थोड़ा सा कम क्योंकि कलर के बीच में कम समझ में आ रहा है, बाहर कर्सर रखिए, इस कलर में थोड़ा सा लाइन है इसके वजह से कम समझ में आ रहा है, लेकिन ग्रीन कलर में है देखिए, ठीक है ना, ये F12 डबल एंड कॉमा कंट्रोल आर, इसको हम लोग यहाँ से हटा सकते हैं। इसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं यहीं पे एक सेटिंग दिया इन्होंने, प्लगइन्स का काम थोड़ा सा अलग होता है, इसमें कोई प्लग लगा के हमको जैसे कोई फोटोज वगैरह लेना है, मेमोरी की कैपेसिटी
कम ज्यादा करनी है तो यहाँ पे आइएगा। अगर इसी फोटो का साइज आप बढ़ाना चाहते हैं, कम ज्यादा करना है तो आप यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। देखिए बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं कि कहने का मतलब कितनी रैम जी यूज करे, जब फोटो ओपन हो तो इतनी रैम यूज करेगा जी, ठीक है ना, उसके लिए जो होता है। नीचे का फंक्शन कोई आपके लिए खास यूज नहीं है। एडोब ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके ऑनलाइन में वेबसाइट होती है उन्हें पे जाके आप देख सकते हैं सारी चीजें, इसका मतलब होगा वो बताएगा। क्लियर हो? तो बच्चों आज आपका एडिट मेनू फिनिश होता है, मिलते हैं नेट